लोगों की मोहब्बत में थैंक यू सो मच मेला कमेटी, रास रंगों से आपका स्वागत, रास रंगों से आपका स्वागत। वो गाना हो झुमका गिरार ने बरेली के बाजार में या बरेली की बर्फी, जहां जहां बरेली का नाम आया है गाना भी हिट हुआ है, फिल्म भी हिट हुई। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में वाल्मीकि सद्भावना मेले का शुक्रवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इसमें फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने अपने संवाद से दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शकों ने फैशन और रंगारंग कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ लिया। फिल्म अभिनेता रजा मुराद शुक्रवार को रात बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि सद्भावना मेले में शिरकत की थी। देर रात पहुंचे मशहूर अभिनेता रजा मुराद ने अपनी जोशीली आवाज में फिल्मों के संवाद बोलकर दर्शकों का मनोरंजन किया, कुछ शेरो शायरी की और दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। भारतीय परिधनों पर आधारित फैशन शो में दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई से आए कलाकारों ने गीत संगीत की प्रस्तुतियों से समा बांधी। मुंबई से आए डांस ग्रुप ने दर्शकों का मनोरंजन किया। तीसरे दिन मेले का शुभारंभ महापौर उमेश गौतम ने किया। इसके बाद आशीष जोहरी ने गणेश वंदना से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। तो आपका ये जो प्यार है, आपका ये जो फुलूस है, आपकी ये जो मोहब्बत है, इसने मुझे खरीद लिया। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो बड़ा अच्छा इंतजाम है, टीवी आए, ओटीटी आए, वेब सीरीज आए, सिनेमा जो है एक पहाड़ की तरह है, उस पहाड़ पे बर्फ भी जमती है, हरियाली भी आती है, पतझड़ भी आते हैं, बर्फ भी चली जाती है, हरियाली भी चली जाती है, पतझड़ भी चला जाता है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह कायम रहता है। अब पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, तो सिनेमा जो है वो पहाड़ है, वो अपनी जगह कायम रहेगा। अब कोई नई फिल्म आ रही है आपके सर? हाँ, काफ़ी आ रही है नई फिल्म। कौन कौन से कुछ नाम? देखिए, ऐसा है कि आजकल बायोपिक्स काफ़ी बन रही हैं। जी जी सर, एक बायोपिक बनी है, गुजरात में एक एनकाउंटर हुआ था, इशरत जहाँ एनकाउंटर, जी जी जी, उस पर बनी है, उसका नाम है द रियल एनकाउंटर। दूसरी बायोपिक मैंने की है, उसका नाम है रमाई, भीमराव अम्बेडकर की पत्नी का कितना बड़ा योगदान रहा है भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में। भीमराव अम्बेडकर जी पर तो बहुत ही फिल्में बनी हैं, उनकी पत्नी पे कोई फिल्म नहीं बनी, और ये फिल्म जो है ये उनकी पत्नी पे है। भीमराव अम्बेडकर बने, ये कहा जाता है ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है, जी, तो उनके पीछे। आज के समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? आज के समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बरेली जो है वो राष्ट्रीय सद्भावना की जिंदा मिसाल है। देश में कभी कुछ भी हो जाए, यहाँ हमेशा शांति रहती है, और बस इस शांति को बनाए रखें। हर किस्म के फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, एक फूल से जो है चमन बनता नहीं है। हमारा देश जो है वो चमन है, जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुमको तो क्या तुम, ये सबका चमन। ओके, थैंक यू सो मच।